हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। देख सकते हो आप, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा था, तो मैंने वॉशरूम क्या बोलते हैं नहा लिया है, लेकिन अब सिर्फ तैयार होना बाकी है। तो चलिए फटाफट तैयार होके मैं आपको मिलती हूँ। आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए मम्मी? चलो तैयार हो जाओ, बेस्तु अरस छे। मैं अभी तैयार होती हूँ। चलो अभी तैयार होंगे हम, और फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? पालनपुर के सारे मंदिरों में जाएंगे। देखो ये आई दौड़ती दौड़ती, ये भी तैयार हो गई है। कुछ बोलना है? नहीं। बोलो बोलो बोलो। नहीं, मुझे आपकी बेस्ती करवानी बस। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारे मेकअप किया फाउंड, तो आपने आई शेडो भी लगाया। आई शेडो कहाँ लगाया मैंने? देखो रुको, हमने कहाँ पे आई शेडो लगाया बताओ? मैंने आंखें बंद कर ली, मुझे बताओ मैंने कहीं आई शेडो लगाया? ये रहा गाइस, कमेंट में लिखो कि तेरे ब्यूटीफुल हाइलाइट। सब्जी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, और आज के दिन हम रोटी नहीं बनाते हैं, हम ऐसा मीठा बना के आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज है बेस्तु अरस। बेस्तु अरस के दिन गुजराती लोग बैठते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग आज के दिन को नया साल की तरह से मनाते हैं। हमारा नया साल दिवाली के टाइम, दिवाली में हैप्पी न्यू ईयर बेस्तु अरस के दिन से शुरू होता है। तो हम लोग इस तरह से तैयार होते हैं, सुबह उठते हैं, घर का सफाई करते हैं, और फिर मंदिरों में जाते हैं। पहले तो सब 5-5 बजे उठ के मंदिरों में चले जाते थे, लेकिन अब ट्रेंड बदल गया है, तो सब घूमने जाते हैं फिर मंदिरों में जाते हैं। लेकिन हम सबसे पहले मंदिर में जाएंगे, सारे भगवान का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद देखेंगे हम कहाँ पे जाते हैं। बाय द वे, ये है आज का मेरा लुक, आप देख सकते हैं। और अभी हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। तो आज के दिन हमारा स्पेशल होता है कि हम आज के दिन घेव के आटे की लापसी यानी कि शीरा बनाते हैं, आप हलवा बोलो, फिर उसकी भी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। अब हम जा के आएंगे, फिर फटाफट खाना बना के खा के फिर हम दूसरे बड़े मंदिर में जाने वाले हैं, तो उसका भी मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी। एंड तक बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ मेरी मम्मी कैसे तैयार हुई है। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक वाओ। फोटो लेंगे? नहीं, आओ तमारे, आओ पहरी ना, फोटो पाड़िए તમારો અંકિતા તાર ફોટો લેવો હોય તો આજ કે દિન બચ્ચે બડો કે પેર છૂકે આશીર્વાદ લેતે હૈં હેપ્પી ન્યૂ યર વિશ કરતે હૈં ઓર યે કેવરી ને ભી મેરે પેર છૂએ મેને ઉસકો આશીર્વાદ દિયા કે ખૂબ તરક્કી કરો ખૂબ પ્રગતિ કરો ઓર ખૂબ બડો ઓર ઉસને ભી મસ્તી મે મુજે આશીર્વાદ દે દિયા મસ્તી મસ્તી મે તો ઇસ તરહ સે હમ हैप्पी न्यू ईयर के दिन एक बड़ों के पैर छूते हैं और फिर बाहर मंदिर में चले जाते हैं। और आशीर्वाद में बड़े हमको पैसे देते हैं, तो केवरी ने आशीर्वाद दिया, पर हमने उसको पैसे इसलिए नहीं दिए क्योंकि ऑलरेडी हम उसको बहुत कुछ दिलाते रहते हैं और हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं। और हमारे बड़े भी हमें आशीर्वाद देते, तो हम पैसे लेते हैं नहीं लेते हैं ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट आशीर्वाद हम लेते हैं भरपूर, जिसकी बहुत ज़रूरत है हमें, हम सबको है। वाव, तो वी ऑल आर लुकिंग जस्ट लाइक वाव। तो अभी मैं जा रही हूँ, तो चलो अभी हम जा रहे हैं मंदिर में, सब लोग हम तैयार हो गए हैं और अभी हम बैठेंगे गाड़ी में। चलो तुम ऑटो रिक्शा में बैठ के आओ, जाओ जाओ इसको ऑटो रिक्शा में बैठाओ, जाओ 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 जाओ। जाएंगे फटाफट सेट मैट, पानी के बीच में खड़ी रखी, अभी होगी गाड़ी गंदी। तो चलो पहुंच गए हम पालनपुर के फेमस पातालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए। पैसे डालने के लिए हमारे पास एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन नहीं जरूर तो ये एटीएम मशीन डाल देगा पैसा मंदिर में। अभी हम ढूंढ रहे हैं अच्छा सा पार्किंग, जो मिलना मुश्किल है, पर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो लीजिए पहुंच गए हैं हम पातालेश्वर मंदिर। इसे पातालेश्वर मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि
मंदिर में नीचे की तरफ सीढ़ियों से जाना रहता है और वो पातालेश्वर गर्भ यानी कि पाताल यानी ज़मीन के अंदर है। और इस मंदिर में एक और खासियत बताऊंगी, मंदिर के दर्शन करने का जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो आपको ऊपर से महादेव नीचे की तरफ दिखते हैं, इस वजह से भी इसका नाम पातालेश्वर मंदिर है। हमने हमारे शूज़ गाड़ी में ही निकाल दिए थे, जिन्होंने नहीं निकाले उन्होंने बाहर निकाल दिए हैं, नो प्रॉब्लम। इस तरह से यहाँ पे अभी मंदिर में भीड़ है, यूजुअली इतनी भीड़ कभी मंदिरों में कभी नहीं होती है पूरे साल, सिर्फ श्रावण महीने के मंथ में होती है, महीने में होती है, और इस तरह से जब कोई त्यौहार होती है तब होती है। जैसे मैंने बोला था पातालेश्वर मंदिर यानी कि पाताल लोक में यानी कि नीचे की तरफ है ये मंदिर, इसे पातालेश्वर मंदिर कहा जाता है। ये है यहाँ का पातालेश्वर मंदिर जहाँ पे भी हम जाएंगे और फिर यहाँ पे ऊपर से भी दर्शन करते करते बाहर निकलना रहता है और यहाँ से भी बाहर निकल सकते हैं हम। ये पूरा मंदिर है, सुबह आते तो पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती, अभी हम सुबह में नहीं आए इसलिए हम हमें इतना भी दर्शन करने मिल रहा है। कोई बात नहीं, ये है मंदिर। चलो केवरी नहीं इधर नीचे दर्शन करेंगे। चलो जाओ दर्शन करो। दर्शन करेंगे अब हम जाएंगे ऊपर। कुछ नहीं है सिर्फ मंदिर का व्यू है देखने के लिए जा रहे हैं हम। ऊपर से आपको पूरा मंदिर भी दिखाती हूँ मैं। तो ये है पूरा मंदिर जो आप ऊपर से देख सकते हैं। आ रही अय्या दी दर्शन कर ले, अय्या दी देखा है चौखा मंदिर देखा है? तो जितना हम ऊपर जाएंगे वो वहाँ से भगवान दिखेंगे, ऐसा लगेगा पाताल में है भगवान। तो अभी चलो चलते हैं देखते हैं, ऐसा ही लग रहा है पाताल से हम देख रहे हैं। जय पातालेश्वर, सबकी मनोकामना मेरी मनोकामना सबकी पूरी करो। तो चलो अभी हम जाएंगे वापस ऊपर, ऊपर से सीधा निकल जाएंगे बाहर। चलो चलो ऊपर। तो हम जाएंगे दम जब्बर ऊपर चढ़े हम लोग। और ये आ गए हम बाहर। आकाश आबाजू बता भगवान अदर शिवलिंग छे यहाँ भी। चलो खंडित छे तो चलो अभी सारे शिवलिंग के दर्शन कर लेते हैं जितने भी हैं यहाँ पे। भगवान ने सजावे से बताया तो ये सारे हैं शिवलिंग। चलो यहाँ तीस फरिंग जता रही है, अभी सारे भगवान के दर्शन कर लेते हैं हम। सब बैठे हैं भक्त दर्शन करने के लिए और अब हम यहाँ से करेंगे दूसरे भगवानों के दर्शन। चलिए चलते हैं दर्शन करने के लिए। चलिए पहुँच गए हम दर्शन करने के लिए। तो लीजिए पहुंच गए हैं हम अम्बा जी मंदिर माता जी के दर्शन करने के लिए और इसने किया है खर्चा 50 रुपए का डॉल्फिन लेने में। चलो दर्शन कर लेते हैं चंबन। तो अभी भोग लग रहा है भगवान जी को, तब तक दूसरी जगह दर्शन कर लेते हैं हम। सत्यनारायण भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं।
नाच हुआ था। चलो तो ये नारायण जी के दर्शन कर लिए हमने, और अभी आप पीछे देख सकते हैं। चलो अभी हम यहाँ पे आते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी शिवलिंग है। शिवलिंग जी हर जगह होते हैं। यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए स्लाइड्स है, झूले हैं, और एक और भगवान का मंदिर है। करवूज पड़े बंद, ये लोगों ने रोज नहीं आदत हो बंद करवानी, पर आवेद नहीं करवूज पड़े, रूल अच्छे। दर्शन करवाती हूँ आप लोगों को, अम्बे माता के भोग लग चुका है, भोग लगा दिया है, अब हम दर्शन कर लेते हैं इनके। हाँ अभी उन्होंने भोग खा लिया, अब हम दर्शन कर लेते हैं। चलिए अब हम जाते हैं दूसरे मंदिर में, नहीं अब हम जाएंगे। अब हम आए हैं पानी पूरी खाने के लिए, अब ये केवरी को खाने की भूख लगी थी तो हम सब खाएंगे, खाएंगे पानी पूरी अभी। चलो चलो लाइन लगा देते हैं। क्या आया? रामापीर मंदिर मजादर। अब यहाँ से जाएंगे मगरवाड़ा, जैसे मैंने सुबह बताया था आपको। तो ये है पूरा मंदिर, मैं दिखाती हूँ आपको, मेरे पीछे देख रहे हो आप। मैंने तो मस्त आई तुमने ने केवरी ने अब तो खूब मेरा माया तो ये है पूरा मंदिर। पानी पीना। आए पकड़ पानी पीना। तुम आप कितने साल बाद आए? ले। आपको नहीं पता? 15 साल बाद मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। मुझे ये बताओ, ऐसे जो ढोल नगा रहे होते हैं उस, वो इसका शेप ऐसे गाड़ी जैसा ही क्यों होता है? ओके okay. चलो अभी हम जाएंगे मगरवाड़ा। तुम्हारा बेबी लो, ये देख लो, ये है इसकी पूरी धजा। और ये है मेरी यूट्यूब चैनल, ये देखो। डॉल्फिन, मैं डॉल्फिन परी हूँ। ये देखो मैं क्या लिया। और अभी हम जा रहे हैं मगरवाड़ा मंदिर में। तो ये कौन सा मंदिर था? ये रामापीर का मंदिर था। रामापीर का? ये कौन सा मंदिर? भगवान जो घोड़े पे बैठते हैं वो। कौन कौन घोड़े? तो अब आए हैं हम मगरवाड़ा के अंबाजी मंदिर में। यहाँ पे है हमारी कुलदेवी माता जी का मंदिर। कुलदेवी है हमारी माता जी, लेकिन ये मेन मंदिर नहीं है वो, ये मेन मंदिर दूसरा है हमारा। तो अब हम आए हैं मगरवाड़ा के माता जी के मंदिर में, उसके बाद मगरवाड़ा के मेन मंदिर में जाएंगे हम। तो चलिए हम दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम मेन मंदिर में जाएंगे। कितना ले दो? हाँ बे आप या बे रुको अने भी नाना। तो आप भी दर्शन कर लीजिए, मैंने भी दर्शन कर लिए। आज न्यू ईयर है तो न्यू ईयर के दिन जितने मंदिर आते सबके दर्शन कर लो, क्योंकि ऐसे तो कभी हम आते ही नहीं है। कभी भी ऐसा मौका मिले, न्यू ईयर है या कुछ भी है, मंदिर में जाने का मौका मिले, कभी छोड़ना नहीं है। मंदिर में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है, आपके सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको मिल जाता है। मन कहीं पर भी विचलित है तो वो स्थिर हो जाता है। जैसे कि आप मेरे शॉर्ट वीडियोस देखेंगे जिसके अंदर मैं सिर्फ पॉजिटिविटी की बात करती हूँ, तो बस इसी के हिसाब से मैं आपको मेरे इस ब्लॉग में भी बता रही हूँ कि मंदिरों में एक बार तो जाना ही चाहिए। भले मैं रोज़ मंदिरों के वीडियोस नहीं बनाती हूँ, लेकिन यस मंदिर में मैं जाती हूँ हमेशा। और आपको मैं बता दूँ, ये पूरा सब बड़ा सा
मंदिर कितना खुला खुला है, इतनी हवा है, इतने पेड़ पौधे हैं। आप यहाँ पे अगर शांति से, यहाँ पे मीन्स आपके जहाँ पे जो भी मंदिर है वहाँ शांति से आप थोड़ी देर सब मोबाइल वगैरह रख के बैठ जाओ तो मज़ा आ जाए। मेरा तो काम है ब्लॉगिंग करना, इसे मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, लेकिन आप मोबाइल एडिक्टेड हैं तो मोबाइल को थोड़ी देर साइड में रखिए, इस पूरे माहौल को देखिए। जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद करके सिर्फ ये नज़ारे देखने वाली हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए मैं इस सब को बता रही हूँ, वरना मैं थोड़ी देर में अभी वीडियो को बंद करूँगी और नज़ारे दिखाऊँगी। हाँ, मेरी वीडियोस थोड़ी लेट आती है क्योंकि एडिटिंग करने में भी उतना समय जाता है, लेकिन ठीक है ना, लेट आए देर आए दुरुस्त है। वीडियो एडिटिंग अच्छी करूँगी तो आपको कॉन्टेंट भी तो अच्छा मिलेगा साथ में। मैं घाय घाय में कुछ भी आपको देना नहीं चाहती हूँ इसके लिए। शू थयू बेटा? तो मंकी तो रेवाना अच्छे नहीं है, कहीं नहीं करे मंकी बेटा। जी आ गए हैं हम जो जिसकी सुबह से मैं बात कर रही हूँ, मगरवाड़ा का मेन मंदिर। तो ये है मगरवाड़ा का वो मेन मंदिर जो जैन धर्म के अंदर बहुत ही मानते हैं इस भगवान को। और हम बादरगढ़ के हैं रहने वाले, तो हम भी इस भगवान को बहुत मानते हैं। हमारे यहाँ जब भी किसी लड़के का जन्म होता है तो उड़द की काली दाल के वड़े करके इस मंदिर में सबको खिलाते हैं, और एक कर होती है वो हम यहाँ पे पूरी करते हैं। यहाँ पे मंदिर में प्रसाद में आपको सुखड़ी यानी कि घेव के आटे की मातर यानी कि हम बोल सकते स्वीट मिलती है। वो स्वीट आपको प्रसादी भगवान जी को चढ़ा के फिर वो खा लेनी रहती है, और इसे कभी भी मंदिर के बाहर आप नहीं लेके जा सकते। मतलब अगर आप बादरगढ़ के बाहर रहते हैं तो आप इसे मंदिर के बाहर नहीं लेके जा सकते, आपको यहीं पे ख़त्म करनी रहती है, खा के ख़त्म करनी रहती है। नहीं खा सकते तो दूसरों को प्रसादी दे दीजिए, और अगर वो भी आप नहीं करते हैं तो आप बादरगढ़ में रहते तो बादरगढ़ के किसी भी घर पे आप रख सकते हो, लेके जा सकते हो, पर आप बादरगढ़ में नहीं रहते तो आपको इसे यहीं पे खा के ख़त्म करनी रहती है। तो बस ऐसी मान्यता रहती है बहुत सारी। मुझे लगता है ये मान्यता इसलिए बनाई थी ताकि ये फूड जो मात्र है वेस्ट ना हो जाए, इसके लिए ये बनाई थी। लोग हो सकते हैं वेस्ट कर देते होंगे, खा नहीं सकते होंगे तो बाहर किसी कुत्ते को गाय को खिला देते होंगे, तो ऐसा ना हो इसलिए मनाई थी। बट ठीक है, जैसे भी मानता है, इन ऑल लास्ट में फूड वेस्टेज कम हो जाता है इस बात से। चलो टो चढ़ाओ अजी को बोले आप पानी। तो ये है मंदिर यहाँ का जो अभी मैंने आपको दर्शन करवाए। बस आज मेन मंदिर में आने वालू हो तो हाँ क्या दादा अपना वाला कल भेरो वाला एम भैरव ने जवानू था हालो जता रही। ભૈરવ દાદા ના દર્શન કરીને આવીએ આપણે, રિનોવેશન નું કામ ચાલે છે અહીં, ચલો ભૈરવ દાદા ને દર્શન કરી લઈએ। ભૈરવ દાદા કે ભી દર્શન હો ગયે યહાં પે મને બદરવી आए हैं बादरगढ़ में, और ये बादरगढ़ का वो गांव है जहाँ जो मेरे हस्बैंड है, मेरे ससुर हैं, मेरे सास हैं, उनका मूल गांव है।
हम वैसे पालनपुर रहते हैं पर ये लोग बादरगढ़ रहते थे। जब गोधरा का इंसिडेंट हुआ था, अगर आप लोग जानते हैं तो, तब उनको ये काम गांव छोड़ना पड़ा। बहुत बड़ी ऑयल की मिल थी, सब छोड़ के उन्होंने फिर से फर्स्ट ज़ीरो से पालनपुर से शुरुआत की थी। तो बस हम यहाँ के मंदिर में दर्शन करने आए हैं आज, क्योंकि अब पता नहीं इसके बाद हम कब आएंगे। तो सब बस गांव वाले मिले हैं तो सब लोग बातें कर रहे हैं, आप देख सकते हो मेरे पीछे, तो है ना कितना मस्त। मिलेंगे, बातें करेंगे, न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, हर तरफ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। तो ये है हमारे हस्बैंड गांव का मंदिर, जहाँ पे ये लोग छोटी छोटी चड्डी पहन के खेलने कूदने के लिए आते थे, और अब ये लोग इतने बड़े हो गए हैं। बताओ, अच्छा तो यहाँ पे समाधि ली थी उन्होंने, क्यों? तो समाधि लगा पर स्टोरी नहीं की थी अबे नर्स ने बेहतर काम करे तो वो मरी गया थे बेनी समाधि जबर भजन ने बदु करी तो मैं तो ये लोग कोई समाधि ले ली थी एला मरी गया था भाई समाधि एकले समाधि बतावे थे दिन बराबर आओ ची कूड़ी पेलो बाबून बोगू होता हुआ था मैं चल लेवा चढ़ता तो यहां पे समाधि बना दी गई थी। अभी अंधेरे में मैं कुछ ठीक से दिखा नहीं पाऊंगी आपको, पर इस जगह पे आप देख सकते हैं समाधि बन गई थी, क्योंकि आप देख सकते हैं ये छोटा छोटा है, दो प्यार करते थे मर गए तो उनकी समाधि बना दी गई थी। तो चलो अभी यहाँ पे भी हम दर्शन कर लेते हैं। मम्मी तमें क्या बेसाड़िया था, तमें सु बेसाड़ी तो यहाँ गब्बर बनाया था, पप्पा ने बताता ना नवरात्र, ये तो पहला बनाया था गब्बर, तो त्या गब्बर नु राखी ना गो। अच्छा तुम्हारे तमें बनाए थे? हाँ बताए गब्बर बनाए। हाँ सरस। तो ये है गब्बर अंबाजी वाला, जो मेरी सास ने और ससुर की सारे लोगों ने मिलके बनाया थे, जिसको अभी तक स्थापित करके रखा हुआ है, नहीं निकाला यहाँ से। यही बड़ी बात होती है रिस्पेक्ट की, इस तरह से मानते हैं। तो चलिए अभी निकलते हैं हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जो है हमारा घर। के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। नए हो तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ब्लॉग शायद लेट आए तो समझ जाना भाई, एडिटिंग में टाइम लगता है।